एक बार फिर दिग्रस एसटी डिपो के 10 कर्मचारियों को सोमवार को निलंबित किया है। अब तक यवतमाल जिले के दिग्रस डिपो के 29 कर्मचारियों पर निलंबन की कार्यवाही है। सरकार इस फैसले का स्वागत करते हुए स्थानीय कर्मचारियों ने इसे जश्न की तरह मनाया। आइए देखते हैं क्या है ये माजरा। एसटी विभाग का सरकारी विभाग में विलय कराने की मांग को लेकर बीते 4 नवंबर से दिग्रस डिपो में जारी स्थानीय एसटी कर्मचारियों का आंदोलन सरकार द्वारा शुरू किए गए कर्मचारियों के निलंबन सत्र के बाद भी न रुका है और न ही थमा है। यहां तो निलंबन की कार्रवाई को भी इन बुलंद हौसले वाले जुझारू एसटी कर्मचारियों ने जश्न की शक्ल में तब्दील कर दिया है। यहाँ निलंबित कर्मचारियों का उत्साह के साथ स्वागत सत्कार किया जा रहा है। सोमवार को निलंबित हुए 10 एसटी कर्मचारियों को फूल मालाएं पहनाकर यहाँ धूमधाम से न सिर्फ सत्कार किया गया बल्कि इस मौके पर कर्मचारियों के लिए स्वादिष्ट भोजन का भी आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। इस दौरान सरकार की नीतियों पर भी कर्मचारियों ने कड़े शब्दों में आपत्ति दर्ज करते हुए अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। अरे हम क्या चाहे, अरे हम क्या चाहे, आजादी, अरे पगार वाड़ से आजादी। आज एक महिन्यापासून आम्ही लेकर बाळ सोडून सर्व घरदार सोडून इथे राहून राहलो, पण आम्हाला कोणत्याही प्रकारची इथं काही हे नाही आहे, सुविधा नाही आहे। आमची आर्थिक परिस्थिती एवढी खालावलेली आहे, आमचा पगार खूप कमी आहे, तरी आम्ही जिंदगी काटत आहोत। आमचे 2 करार झालेले नाही, आमची एकच मागणी आहे, फक्त शासनात विलिनीकरण विलिनीकरण विलिनीकरण। आमच्या इथून दिग्रस आगारामधून सुरुवातीला 11 लोक निलंबित केले, त्यानंतर डेलीपेटवाले 7-8 लोक निलंबित केले, त्याच्यानंतर आज रोजी 10 लोक निलंबित केले। मला मी पण निलंबनात आहो, पण हे शासनाला मला सांगायचं आहे की निलंबन हा काही विषय नाही, आम्हाला तुम्ही डायरेक्ट फाशी देऊन द्या, आम्हाला इथं जगण्याचा कोणताही अधिकार नाही, नाही तर एक तर शासनात विलिनीकरण करा, नाही तर आम्हाला फाशी देऊन द्या, आम्ही इथं मराला तयार आहोत। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक दिग्रस डिपो के कुल 29 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। इस बीच कर्मचारियों ने सोमवार को अपने संगठन की ओर से डिपो मैनेजर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सरकार से एसटी विभाग के साथ न्याय करने अन्यथा डिपो के सभी कर्मचारियों को एक साथ निलंबित करने की मांग उठाई है। हमसे 40 लोग मेले राजू, अरे हमसे जीव नहीं है क्या, हमसे जीव नहीं है क्या, एक स्टेटमेंट ही मुख्यमंत्री ने कवाई जागृति ठेवलेली नहीं है कि खरोखर काय ना मेला, कसा मेला, काही नाही, मेला म्हणजे गेला आमचा काय, असा जीव आहे का, अरे कोणी मागून धडकला तरी आम्हालाच मारतील लोक, उडून धडकला तरी आम्हालाच। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।